आज डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा जिला प्रमुख शिवसेना के नेतृत्व में शिव सैनिकों ने जिलाधिकारी व कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर श्री गांधी आश्रम के 185 सेना निवृत्त कर्मचारियों का 6 करोड़ बकाया वेतन, 6 करोड़ ग्रेजुटी, 12 करोड़ भविष्य निधि व आरसी का बकाया तत्काल भुगतान कराने की मांग की तथा क्षेत्रीय पीएचडी का पुनः भविष्य निधि नाम करने व उस पर ब्याज 4.50% के स्थान पर पुनः 7.25% करने, पुनः रखे गए 5 लाइफ मेंबरों को तत्काल हटाने व श्री गांधी आश्रम संस्था के सचिव रविशंकर शर्मा, प्रबंधक व अन्य संबंधित दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तत्काल जेल भेजने की मांग की एवं शीघ्र ही कार्यवाही न होने पर कमिश्नर कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी। धरना प्रदर्शन में वरिष्ठ जिला उप प्रमुख बाबा कुशल सिंह, वरिष्ठ जिला कोषा अध्यक्ष बबीता सैनी, जिला प्रमुख अनुसूचित सेना प्रमोद सागर, जिला महासचिव डॉक्टर प्रकाश वीर बिश्नोई, जिला प्रेस प्रवक्ता मोहर सिंह, युवा जिला सचिव अशोक यादव, हर्ष राजपूत, सौरभ सैनी, विमल सागर, गुलशन गुलाटी आदि मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रामेश्वर दयाल पुरे है, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। आज आपके साथ काफ़ी लोग आज शिव सैनिक जिलाधिकारी व कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी व कमिश्नर महोदय को प्रेषित ज्ञापन दिया। श्री गांधी आश्रम के लगभग 185 कार्यकर्ता वर्ष 2015-16 में रिटायर हो गए थे। उनका अभी तक गांधी आश्रम कमेटी ने ना तो बकाया वेतन दिया है, ना ग्रेचुटी दी है, ना भविष्य निधि दी है, और जो भविष्य निधि का नाम बदलकर क्षेत्रीय पेशगी कर दिया है, और उस पर जो ब्याज दर लगती थी 7.25% उसे भी कम करके 4.5% कर दिया। ज्ञात हो कि 185 कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं गांधी आश्रम से, वो विगत 5 जनवरी से गांधी आश्रम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज शिव सैनिक कमिश्नर साहब को ज्ञापन देकर मांग कर रहे हैं कि उनका बकाया वेतन, 6 करोड़ रुपए का बकाया वेतन, 6 करोड़ रुपए की ग्रेच्युटी, 12 करोड़ रुपए का भविष्य निधि का शीघ्र ही भुगतान किया जाए, और जो आरसी का लगभग 10-15 करोड़ रुपए बकाया है वो भी शीघ्र भुगतान किया जाए, और जो 6 लाइफ मेंबर जो रिटायर हो चुके हैं उन्हें गांधी आश्रम में रख लिए हैं वो तत्काल रिटायर किए जाएँ, और जो प्रबंध कमेटी का जो प्रबंधक है और जो सचिव है रविशंकर शर्मा, इन पर तत्काल घोटाले का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए, और जो सभी लोग जो 185 कर्मचारी हैं इनका शीघ्र से शीघ्र भुगतान किया जाए। यदि शीघ्र ही भुगतान नहीं किया गया तो आज कमिश्नर साहब को शिव सैनिक ज्ञापन दे रहे हैं, फिर अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।